Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Good. तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? सर आने की खबर। Very good. आवाज आ रही मेरी? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। आपने इस व्यक्ति को कॉल किया है? हाँ हेलो एवरीवन, अब आवाज आ रही है ना? यस सर, अच्छे सर। इस तरह आ रही है। चलिए टॉपिक डालिए। आई नहीं के कुल मिरिया। आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट। मेरे साथ साथ लिखिएगा द सब्सटेंस विच गिव्स आयन इन द सॉल्यूशन।
is called electrolyte. जो आयंस में ब्रेक हो जाए उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. ओके स्टूडेंट. यस सर. अब आइएगा कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होता है दो तरह का होता है. एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो वो आयंस देगा. निकले आए यहां तक तो बताइएगा. लिख लिया. हाँ प्लीज बताइए. लिख लिया. यस सर. यस सर. अब आइएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है तो देखिए सारे लोग समझिए. एग्जाम्पल तो मैं दूंगा ही. वो सब्सटेंस जो कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो, जो आयंस में पूरी तरह ब्रेक हो जाए. तो आप कंपाउंड को देखकर कैसे पहचानेंगे तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल सब पर आपको आना चाहिए. तो वो हम तो बताएंगे. तो कभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द सब्सटेंस विच इज ऑलमोस्ट completely dissociated या ionized. In aqueous solution. It's called a strong electrolyte. अब देखिए इसके एग्जाम्पल को याद रखने का तरीका ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पहला एग्जाम्पल है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो. पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ 6 एसिड का नाम याद रखिए. ये मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया था. पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ 6 एसिड ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं. उसके अलावा जितने भी हैं वो वीक होते हैं. ये 6 एसिड नाम याद रखिए. हेलो एवरीवन. यस सर. याद रहेगा. यस सर. हाँ कोई भी क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल तो स्ट्रॉन्ग एसिड. दूसरा ये पूरी तरह आयोनाइज्ड होता है. स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल होता है हाइड्रोक्साइड of alkali metal except lithium. अब कुछ ग्रुप सिकन के हाइड्राइड जैसे BOH2 SRO2 ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं. तीसरा पहचानने का तरीका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वो होता है सॉल्ट. लेकिन याद रखिएगा सॉल्ट में एक्सेप्ट डी ब्लॉक सॉल्ट. डी ब्लॉक के सॉल्ट को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. डी ब्लॉक सॉल्ट जैसे आप कहते हैं ना NaCl पूरी तरह ब्रेक होता है. बोलिए हाँ या ना. पूरी तरह आयनिक कंपाउंड है. पूरी तरह आयंस. तो एग्जांपल में कोई भी पूछे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जो पूरी तरह डिसोसिएटेड हो
हम कैसे पहचानेंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, जो स्ट्रॉन्ग बेस हो या सॉल्ट हो। सॉल्ट का मतलब बी ब्लॉक के सॉल्ट को छोड़कर। चलिए ये लिखिए, लिख लिया तो बताइए। जी आशिका जैन आर है साइंटिस्ट? यस सर। 2 मिनट सर, ऑलमोस्ट हो गया। यस सर। सर मेरा हुआ नहीं था। हाँ बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं? सर प्रीवियस स्लाइड कर दीजिए, मेरा हुआ नहीं था। हाँ तो उस वक्त ही तो बोला कीजिए, टीचर पूछता रहता तो कोई जवाब नहीं देते हैं आप लोग। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो पार्शियली डिसोसिएटेड हो, द सब्सटेंस पार्शियली आयोनाइज्ड। लिख लिया, हेलो एवरीवन। यस सर। आप बताइए इसके एग्जांपल कौन होंगे? वीक एसिड, वीक बेस। आपको क्या कहेगा वीक एसिड के एग्जांपल दें। 6 एसिड के अलावा दुनिया में जितने भी एसिड हैं सब वीक हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चैप्टर में जो आपको पढ़ाया जाएगा। कंपैरिजन कौन वीक है वो तो बाद की बातें हैं। 6 एसिड के अलावा जितने भी एसिड हैं उसकी नेचर वीक होती है। वीक बेस इनके अलावा सब वीक हैं। सॉल्ट में सॉल्ट ऑफ डी ब्लॉक,
जैसे AgCl, AgBr, CuCl, FeCl3 वगैरह वगैरह, ये सब दिखने में तो है आयनिक लेकिन पोलराइजेशन फाजांस रूल की वजह से ये प्योर आयनिक नहीं है, इसीलिए पार्शली डिसोसिएटेड होते हैं। यस हाँ बोलिए, लिख लिया, कोई नहीं बोल रहा है भाई। हाँ लिख लिया। यस सर। क्यों नहीं बोलते हैं लिख? हाँ चलिए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक में कोई है। अब आइए इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, आयनिक इक्विलिब्रियम। बेसिकली आपको ये माइंड मेकअप होना चाहिए, ये पूरा चैप्टर वीक इलेक्ट्रोलाइट पर है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि वो पार्शियली डिसोसिएटेड है, उधर उधर भागता रहेगा। खुद सोचिए, कोई कंपाउंड अगर कंप्लीटली आयोनाइज्ड है तो ये इररिवर्सिबल है, लेकिन कोई पार्शियली डिसोसिएटेड है तो वहां इक्विलिब्रियम होगा। दिस इज अनडिसोसिएटेड, और आयन्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है उसी को हम आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। दिस चैप्टर इंटायरली डिपेंड अपॉन वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वीक एसिड हो या वीक बेस हो या सॉल्ट ऑफ डी ब्लॉक हो, उसी में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा। स्ट्रॉन्ग में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं होता, वो रिवर्सिबल नहीं है। तो कोई भी पूछे व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम, एंड इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश बिटवीन आयन एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता रहेगा, इसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब इट मींस आयनिक इक्विलिब्रियम इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मींस वीक एसिड, वीक बेस या डी ब्लॉक के साथ। आया समझ में? हाँ जाना, जल्दी बताइए। यस सर। एक ही स्टूडेंट बेचारी चिल्लाती है इस बैच में, बाकी सब चुप क्यों रहते हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं है? मुझे सख्त नफरत है, नफरत है ऐसे लोगों से। रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते हैं, मेहराज क्यों नहीं देते हैं? ये हिबा का तो नेगलेक्ट ही चली, तो बेचारी मेहमान है। ये नोहा अख्तर बेचारी चिल्लाती थी सर, खराब है सर। तो आप मैसेज करें, जिनको बोलने में प्रॉब्लम हो टेक्स्ट मैसेज करें, यस नो लिखा करें। लिखना नहीं बाकी सर, तो आप क्यों नहीं बोलते हैं उस वक्त? टीचर चिल्लाता चाहता है, नहीं नहीं क्या सॉरी, कितनी दफा सॉरी बोलेंगे, जब से आप ज्वाइन किया सॉरी बोल बोल के थक चुके हैं आप। हाउ मेनी टाइम्स सॉरी? सॉरी का मतलब क्या होता है?
उस चीज को दोबारा रिपीट ना करना। ये यूनिव याशिका आ रहा समझ में? यस सर। हाँ तो रिस्पॉन्स करें मेरे, हाँ मेरी क्लास में बोला करें प्लीज, ना बोलने का मानो टेक्स्ट मैसेज करें यस नो। अरे नो हाँ हो गया सर, थैंक यू। यस सर। आप क्यों नहीं बोलती हैं? बीच में तो ठीक थी आप, अब क्या हो गया? ये अल्लाह बोलने का मन नहीं है आपको? अल्लाह रहम करे इन पर भाई। यहां देखें, एक जरा नहीं बोलते, मुझे तो मजा नहीं आता है पढ़ाने में। आदमी बोलेगा तो मैं तो इतना एक्साइटेड स्टेट में पढ़ाता हूं, अगर बच्चे रिस्पॉन्स करें मुझे पढ़ाने में मन ही नहीं लगता इस तरह। बोला करें, रिस्पॉन्स नहीं करेंगे हम खराब पढ़ा देंगे, गलत फलत पढ़ा देंगे। रुकें, अब गलत मैं पढ़ा दूंगा, रुकें रुकें। मेरी क्लास में रिस्पॉन्स करें रोशनी सिन्हा की तरह, बोलने का मन ना हो टेक्स्ट मैसेज करें। हाँ सर समझ गए, पिछला स्लाइड दिखा देना है। अब टीचर आगे बढ़ जाता है, सर पिछला स्लाइड, तो ये बोलने तो आता है लेकिन यस नो नहीं बोलने आता है। मैं अब ब्लॉक कर दूंगा, अभी रुके मैं रिमूव कर दूंगा जो नहीं बोलेंगे। अब आइए मेरे साथ साथ लिखिए, एन इक्विलिब्रियम, मेरे साथ साथ लिखिए सारे लोग, एन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड बिटवीन आयन between iron and undissociated molecule is called ionic equilibrium। मतलब ये साफ है कि आयनिक इक्विलिब्रियम इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब सारे स्टूडेंट रिस्पॉन्स करें, समझ में आया ये लाइन, दोनों लाइन सबको? हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। यूनिब अब तक नहीं बोले, नोहा अब तक नहीं बोली है, सबिया अब तक नहीं बोली है, अर्पित अब तक नहीं बोले हैं। सर बोला था। यस सर। यस सर। वेरी गुड। नोहा क्यों नहीं आपकी आवाज आई, समझ में? Yes, आया? हाँ तो बोलिए। यस वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। मेरी क्लास में बोला करें, और सब क्लास में बोले या ना बोले, मेरी क्लास में बोलना है। लिख लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हैज एवरीवन कंप्लीटेड दिस स्लाइड? यस सर। Especially सूरत and अच्छा सूरत का भी हो गया। यूनिब आपका हुआ? Yes sir हो गया। Thank you। अब आइए, देखिए इस चैप्टर में जो पहला कंसेप्ट आपको पढ़ना है, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, अभी लिखिएगा नहीं, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब ये क्या होता है वो तो पढ़ाएंगे, पहले ये बात एक दफा मेरे साथ साथ दें, ये चैप्टर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, ये स्ट्रॉन्ग, सारे लोग मिलके बताएं। यस सर। वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, ये सबको दिमाग में रहना चाहिए। चैप्टर खत्म है, मीनिंग ये नहीं समझ में आ रही है तो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ सुने, लिखना गुना है, सुने अच्छे से। मान लीजिए HA कोई कंपाउंड है, जैसे ये इक्विलिब्रियम दिया आप समझ जाइए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार ये दिखने में आयंस है लेकिन ये पार्शियली डिसोसिएटेड है। अब देखिए मैं कह सी इज द कॉन्सेंट केमिकल इक्विलिब्रियम में, इनिशियली सी जीरो जीरो, एक्स टाइम्स डिसोसिएट किया, एक्स टाइम्स बढ़ा, याद है ये दोनों लाइन लेते थे, हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। देखिए ये कैसे आया, मैं कहा था अल्फा क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मोल डिसोसिएटेड एक्स, इनिशियल मोल सी, कंसंट्रेशन एक्स इज इक्वल टू सी अल्फा, तो भाई एक्स की। अब ये लाइन डायरेक्ट आपको लिखने आना चाहिए, हेलो एवरीवन, आया समझ में? यस सर। अब आइए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। आया समझ में? यस सर। अब देखिए केसी सी अल्फा, यहां पर कंसंट्रेशन है तो वॉल्यूम से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सी इंटू वन माइनस अल्फा सी सी। अब सुनिए अच्छे से केमिस्ट्री में, अब तक क्या पढ़ा आपने कि केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केमिस्ट्री में बहुत सारे होते हैं, आज आप तीसरा पढ़ेंगे के ए के बी के डब्ल्यू के एस पी, ये सब आयनिक में पढ़ेंगे। कोई कहे के, ये भी एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, नाम अलग अलग है, यहां पर केसी को कहेंगे के ए, डिसोसिएशन कांस्टेंट। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम है डिसो, क्यों? यहां देखिए डिसोसिएट हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, देखिए देखिए, तो कोई भी पूछे के ए, तो के का फॉर्मूला आ गया सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा। अब इसके बारे में मैं आपको नई बातें सब बताता हूं। पहली बात, के ए का नाम होता है डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ए का मतलब है एसिड, फॉर एसिड, डिसोसिएट हो रहा है, पहली बात। कोई कहे के का क्या फॉर्मूला, के ए का तीन फॉर्मूला याद रखिए। पहला कि ए तो इसको हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे, पहली बात। दूसरी नॉलेज न्यूमेरिकल में इसका भी इस्तेमाल होगा, के इज आल्सो डायरेक्ट फार्मूला सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चूंकि ये पूरा चैप्टर वीक के लिए अप्लीकेबल है, तो एक चीज और कहीं पर आपको मैं लिखवा रहा हूं, अभी लिखिएगा नहीं, अगर अल्फा लगभग वन है मतलब 100%, तो याद रखिएगा इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कोई क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आप कहेंगे अल्फा वन, चूंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होता है। अल्फा वेरी लेस देन वन, तो इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। तो खुद सोचिए, अल्फा अगर वेरी लेस देन वन है तो वन माइनस अल्फा अप्रोचेस टू वन, अल्फा बहुत ही कम है तो वन माइनस लगभग वन ही होगा, तो के ए का फॉर्मूला हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। कोई भी कहे के ए क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन के का नाम है डिसोसिएशन कांस्टेंट। हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये बुक के डायरेक्ट फॉर्मूला को याद करते हैं, इसलिए अच्छे न्यूमेरिकल में आपको डाउट होगा। हम के बारे में पहला उसकी डिफिनेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, उस फॉर्म में भी याद, अभी मैं न्यूमेरिकल से साबित करूंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल इससे होगा और कहीं कहीं पर हम नेगलेक्ट करके भी बनाएंगे, नेगलेक्ट हर जगह नहीं करेंगे, उसका ट्रिक्स है। आप देखेंगे जब आप बुक पढ़ेंगे, अगर आपके पास टाइम हो, कहीं पर देखिएगा के सी अल्फा स्क्वायर ले लिया, कहीं पर के सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा ले लिया, स्टूडेंट विल कंफ्यूज ये वैल्यू कब हम सी अल्फा स्क्वायर लेंगे, कब सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा लेंगे। तो उसका मैं एक डेटा आपको शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा न्यूमेरिकल में, अभी नहीं। तो मेरी बात बताइए, क्या यहां तक मेरी बातें सबको समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी बताएं। सबिया याशिका यूनिब अर्पित तो बोल ही दिए, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। ए लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, लिखिए सर। हां बोलिए याशिका। एक्चुअली आई हैवंट स्टडीड दिस चैप्टर एंड द प्रीवियस चैप्टर बिफोर, सो मतलब मैं पहले रिकॉर्डिंग सुन रही थी, मुझे समझ नहीं आया, तो मतलब रिकॉर्डिंग सुन लो ना। नहीं, क्या समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा, फिर से बोलिए। मैंने एक्चुअली ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा, ये वाला और इससे पहले वाला चैप्टर। अच्छा, हाँ, तो आपको मैंने अभी ज्वाइन किया था। हाँ, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी, तो या मैं और कुछ करूँ, मतलब आप बता दीजिए। अच्छा हाँ, बता देते हैं, ये मेरी पहले तो लाइव क्लास देखिए, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, तो और आपको केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है पीछे का, बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, जैसे ये मैंने कैसे लिखा, ये हम आपको पूछिएगा तो हम दो दो दफा बता देंगे, बाकी इसके बाद कोई पीछे का कंसेप्ट नहीं है, समझ रही ना। तो आप लाइव क्लास ही देखिए, रिकॉर्डेड में आपको उतना मजा नहीं आएगा, समझा कि नहीं। कहीं कहीं पर प्रॉब्लम हो बिला झिझक आप पूछिए, सर इसको बता दीजिए, हम आपको बताएंगे, समझा कि नहीं। तो
ये ऐसा चैप्टर है कि पीछे का कोई नहीं, बस एक नया कंसेप्ट है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं। तो कभी भी बीच में प्रॉब्लम हो आप मुझसे एकदम बताइएगा, हम डायरेक्ट बता देंगे, आप शर्माइएगा नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट क्लास में देखिएगा और मजा आएगा। आर्हेनियस एसिड बस सिंपल डिफिनेशन है, कौन एसिड है कौन बेस है, ब्रॉन्स्टेन लुइस, कोई पीछे का कंसेप्ट नहीं है, कोई घबराना नहीं है। समझ में बात आई? यस यस सर। हाँ, आपको नहीं समझ में आए तो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ये स्लाइड, ये वाला आप पहले लिखिए, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ये वाला स्लाइड पहले लिखिए आप। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो समझ में आया ना आपको? ये तो आया ना आपको? यस सर। हाँ ठीक है, आपको बस बोलना, मैं यही तो चाहता हूँ कि स्टूडेंट रिस्पॉन्स करें। बहुत सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करते ही नहीं, तो टीचर को कैसे पता चलेगा, वो भी ऑनलाइन में। कभी भी हो आप बिला झिझक बोलिए, हम आपको जरूर समझाएंगे। ये स्लाइड हो गया? नो सर, सर अभी लिखना स्टार्ट करें। तो देखिए याशिका, इसमें क्या करते हैं, इनिशियल अगर देखिए रिएक्टेंट शुरू में कुछ ना कुछ होता है, प्रोडक्ट शुरू में नहीं होता, तो जीरो जीरो। टाइम जैसे जैसे गुजरेगा तो रिएक्टेंट घटता है, प्रोडक्ट बढ़ता है, तो भाई एक्स टाइम्स घटा तो ये एक्स टाइम्स बढ़ा। आया समझ में? यस सर। अब आइए कि सर ये एक्स को ये कैसे लिखा, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा। क्या होगा, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट का भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट भी तो बहुत अच्छे हैं ना इस बैच में बेचारे लोग। तो ये अल्फा का नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या नाम है याशिका जैन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वेरी गुड। इसका मीनिंग होता है मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। नाम से भी साबित है गिवन मोल का कितना पार्ट डिसोसिएट हुआ, उसी के रेशियो को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे। तो देखिए याशिका जैन साइंटिस्ट, यहाँ देखिए एक्स टाइम्स डिसोसिएट हो रहा है कि नहीं रिएक्टेंट, बोलिए। यस सर। तो ये मोल डिसोसिएटेड हो गया, इनिशियल सी ले लेंगे तो सी हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू सी अल्फा। आया समझ में? यस सर। व्हाट इज सी? तो सी इज द कॉन्सेंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब मोल पर लीटर, और इसको पूरे चैप्टर में हम इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, क्योंकि पिछला चैप्टर में यही एक कंसेप्ट है, यही एक ऐसा। इस ब्रैकेट का मतलब होता है याशिका जैन मोल पर लीटर। यस सर। वेरी गुड, आएगा सब आएगा, घबराए नहीं आप, बीच बीच में पूछा करें, हम बताएंगे ना। यहाँ तो स्टूडेंट लोग कुछ बोलते ही नहीं है, मुझसे बात ही नहीं करते, क्यों, मेरी आवाज खराब है कि क्या है, समझ में आता है कि नहीं? हो गया आता है। हाँ, लिख लिया सब लोगों ने, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। युनीब हसन, याशिका, सबीहा, नोहा, हैज एवरीवन कंप्लीटेड? यस सर। यस सर। वेरी गुड, अब आइए इधर। तो देखिए आप लोग लिखते रहिए, मैं याशिका को समझा रहा हूँ। देखिए केसी को कहते हैं याशिका जैन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। क्या कहते हैं याशिका जैन? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने का तरीका होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सिंपल। तो देखिए प्रोडक्ट है ना, यहाँ देखिए एच प्लस ए माइनस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, क्लियर है? यस सर। अब उस एच प्लस ए माइनस की वैल्यू पुट कर दिया मैंने, तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहां पर कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो के भी एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, नाम अलग है, विच इज आल्सो कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। जब भी कोई कहे केमिस्ट्री में डिसोसिएशन, ये ऑर्गेनिक में भी आएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, के की वैल्यू ज्यादा होती है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, के की वैल्यू, तो के का नाम होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। उसको लिखने के तीन तरीके, नंबर वन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, सॉल्व करके आएगा सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, यहां तक लिख लीजिए सारे लोग। सर वो के ए लिखा हुआ है कहां? ये सब ए है, ए फॉर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। हाँ
हाँ बताइए सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। यस सर। नो सर। अच्छा नो सर, ओके ओके। जी यूनिवर्सल साइंस सर लिखिए। ओके ये भी लिखिए। सर वन माइनस अल्फा इज सिमिलर टू वन सर। हाँ लिख लिया? यस सर। यस सर। अब आइए तो और से समझना है, यही केस बी ओ एच के लिए भी होगा, मतलब जो हाइड्रोक्सिल आयन देता है वो बेस होता है, ऑब्वियसली वीक बेस की बात होगी, इस पूरे चैप्टर में वीक एसिड और वीक बेस की बात ही होगी, बी प्लस एंड ओ एच माइनस। अब डायरेक्ट देखिए क्या लिखेंगे यहाँ, डिसो देखिए KB को भी हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कहेंगे, B का मतलब बेस, एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो पहला तरीका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, हम हर फॉर्म में याद रखेंगे तभी न्यूमेरिकल आसानी से होगा, पहला फॉर्म। दूसरा फॉर्म इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो KB is equal to वही आएगा C alpha square 1 minus alpha, alpha is very less than 1 obviously weak के लिए है, तो KB का formula directly C alpha square, ये तीनों form हम याद रखेंगे। तो KB यहाँ किसके लिए इस्तेमाल होगा, dissociation constant for base, आया समझ में? Hello everyone. Yes sir. Yes sir. Yes, लिखें
लिख लिया? यस सर। यस सर। याशिका आप भी बोलिए प्लीज। यस सर। समझ में आ रहा? हाँ अब देखिए, अब आइए कि सर ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का ये मैथमेटिकल टर्म्स आया, स्टेटमेंट क्या है? और से सुने पहले मैथमेटिकली। उनका ये कहना था कि अगर हम के ए सी अल्फा स्क्वायर लेते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी। उन्होंने ये कहा कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को बढ़ाएंगे तो बताइए अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। और इसको आप डेली लाइफ से भी रिलेट कीजिए, खुद सोचिए कि कंसंट्रेशन बढ़ाने का क्या मतलब होता है। जैसे कोई कहे एच ए वी के एसिड है तो मतलब ये हुआ कि उस कंटेनर में मोर एच प्लस है, भीड़। कंसंट्रेशन का मतलब भीड़, बहुत ज्यादा है। तो जब बहुत ज्यादा आ जाएगा ना तो फिर ये आपस में कंबाइन करने लगेगा। आपका मकसद है डिसोसिएट करना, ब्रेक करना। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब हुआ भीड़ है, मोर आयंस। आप बताइए जैसे ही सॉल्यूशन को हम डायल्यूट कर देंगे, डायल्यूट का मतलब वाटर ऐड करेंगे, तो लॉजिक लगाइए क्या कैटायन एनायन के बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा कि बोलिए हाँ या ना? बढ़ जाएगा। yes, बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगा तो डिसोसिएट की टेंडेंसी बढ़ेगी। और डायल्यूट का मतलब ये होता कि आप कंसंट्रेशन घटा रहे हैं। याद रखिए जितनी कंसंट्रेशन बढ़ेगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो डिसोसिएशन की टेंडेंसी और घटेगी, पर ऐसे भी कम है और घट जाएगी। हाँ बोलिए। सो इनवर्सली प्रोपोर्शन है बेसिकली। हाँ हाँ यस यस यस, तो घटेगी। इनवर्सली के अलावा आप थ्योरेटिकली भी समझें ऐसा क्यों होता है, तो वही कहा जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन भी मैं दूंगा। तो व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड मतलब कंसंट्रेशन को कम करना, तो कैटायन आयन के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा तो मोबिलिटी आयन्स की बढ़ेगी तो वो आसानी से डिसोसिएट करेगा। तो ऑस्टवाल्ड यही कहा कि कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन को बढ़ाएंगे तो अल्फा घटेगा। उन्होंने क्या कहा मेरे साथ साथ लिखिए, एट अ गिवन टेम्परेचर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट is inversely proportional to square root of their concentration, या directly proportional to square root of their dilution, dilution के directly proportional, concentration के inversely proportional। बताइए सबको समझ में आया? Hello everyone। Yes sir। Yes sir। बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए। लिख लिया? नो सर।
Yes, sir, written. Okay. लिख लिया? यस सर, अब हो गया. देखिए अमोनिया वीक बेस है. आंसर बताइए सब लोग. आंसर ऑप्शन में दें, ए बी सी डी में किसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम है. सब लोग आंसर दें. याशिका जैन, यूनिव, अर्पित, सबीहा, रोशनी सिन्हा, सूरत, अभी क्या बताएगा? कंसंट्रेशन बढ़ता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटता है ना. बोलिए हाँ या ना. यस सर. सबसे कम कंसंट्रेशन किस में है? डी में. तो इसलिए इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? ज्यादा. अरे बोलिए. हेलो एवरीवन. यस सर. इतना आसान नहीं. हाँ. याशिका जैन, यूनिव, सबको समझ में आया? यस सर. यस सर. वेरी गुड. चलिए एक न्यूमेरिकल के लिए.
लिख लिया. हेलो एवरीवन. यस सर. तो देखिए इसको करने के दो, चूंकि अब आपका सेकंड टर्म में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप होगा, तो मैं दोनों व्यू से समझा रहा हूँ. यहाँ देखिए, और एक बात हमेशा याद रखिए न्यूमेरिकल में, जब भी के ए दिया रहे, ऐसे तो एसिटिक एसिड वीक एसिड है, के ए और के बी न्यूमेरिकल में दिया रहे तो 100% आप समझ जाइए वो वीक एसिड है. के ए और के बी इज डिफाइंड ओनली फॉर वीक एसिड. अब देखिए यहाँ आपके पास ये एसिटिक एसिड है, सारे लोग ध्यान दें, CH3CO लिखना नहीं है वरना नहीं समझ में आएगा, पहले एकदम स्क्रीन को देखें. तो यहां जो आपके पास है 0.2, पहले डिटेल मेथड से समझें, 0.2 - 0.2 alpha, 0.2 alpha, 0.2 alpha. याद आया ये क्यों कैसे लिया गया? हेलो एवरीवन. अरे ये लिया गया था ना C - C alpha, C alpha, C alpha. यस सर. याशिका जैन आप भी बताती रहिएगा. हेलो हाँ. yes, आप देखिए के ए का निकालने का तरीका, इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सब्जेक्टिव मेथड से भी पहले फिर ऑब्जेक्टिव टाइप बाय रिएक्टेंट, ध्यान दें. तो के ए की वैल्यू 1.8 × 10⁻⁴, 0.2 alpha, 0.2 alpha by 0.2, 1 - alpha, 0.2 से कैंसिल, 1.8 × 10⁻⁴, 0.2 alpha square, 1 - alpha. अब गौर से सुनिए, अब इसको सॉल्व करना मुश्किल है बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा. तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ सेकंड मेथड, अभी रुक जाइएगा लिखिएगा नहीं, ये डेटा याद रखिए बहुत काम देगा. के ए बाई सी का रेशियो अगर 25 × 10⁻⁴ के कम या बराबर हो तो वहां आप के ए डायरेक्टली सी अल्फा स्क्वायर इस्तेमाल कर लेंगे. अगर इससे ज्यादा हो तो फिर हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही सॉल्व करेंगे. सुना सारे लोग? आप ये डेटा समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर. हाँ, अब मैं आपको रफ में समझाता हूँ के ए बाई सी. देखो के ए की वैल्यू ये है और ये 0.2 है, तो 9 × 10⁻⁴, बताओ 25 से कम ही है ना. हेलो एवरीवन. यस सर. यस सर. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेथड सेकंड, अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता तो हम डायरेक्ट करेंगे अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी, तो 1.8 × 10⁻⁴, 0.2, 9√3 × 10⁻². तो देखिए अल्फा बहुत कम आया 0.03, और अगर परसेंटेज का है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालो तो 3%. बताइए आया समझ में? हेलो एवरीवन. यस सर. अच्छा, सब्जेक्टिव में आप रफ में क्या कीजिए, जब सब्जेक्टिव टाइप होता तो आप रफ में ये कर लेते, देखते कि हाँ वैल्यू कम है. तो अब सब्जेक्टिव टाइप में यहां तक तो हम कर लेंगे, फिर एग्जामिनर को बताएंगे कि अल्फा इज वेरी लेस देन वन. ये कैसे पता चलेगा? रफ में ये डेटा से समझ में आना चाहिए. तो आप क्या कीजिएगा, 1.8 × 10⁻⁴ तो डेटा के लायक आया, तो 0.2 alpha square, बतवा बराबर वही वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी. हेलो एवरीवन. हेलो एवरीवन. यस सर. यस सर. तो ये है सब्जेक्टिव टाइप में रहेगा, तो आप अच्छा अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस इसी तरह डिटेल मेथड से करें पहले, कि ये दो स्टेप डायरेक्टली लिख में आए. अब इसमें उन्होंने ये कहा है ऑल्सो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ, हो गया, और H प्लस की कंसंट्रेशन. अच्छा, वो पहला पार्ट भी निकालना है. तो देखिए H प्लस की कंसंट्रेशन निकालने का तरीका डायरेक्ट कहिए, इसका फॉर्मूला याद रखिए. अब मैं इसको फॉर्मूला से बताने से पहले कंसेप्ट बता देता हूँ. देखिए आने के इक्विलिब्रियम में अब तक जो सीखा उसके अलावा सुन लीजिए कान खोल कर, कभी भी H प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी हो ऑफ वीक एसिड,
तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए सी अल्फा। देखिए कैसे, यहां देखिए सब कुछ प्रूफ है, मैं ऐसे रटवा नहीं रहा हूं। देखिए एच प्लस के सामने सी अल्फा है कि मैं जल्दी बताइए। हाँ या ना? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, बोले ना सब लोग? हाँ, अब देखिए कभी भी आने की इक्विलिब्रियम में क्या है, एच प्लस और वीक एसिड का फॉर्मूला बताओ तो सी अल्फा, और अगर नेगलेक्ट करने वाला रहे हो सकता है इससे भी सॉल्व हो दूसरा फॉर्मूला के इंटू सी। जब अगर ये डेटा इस तरह का हो नेगलेक्ट कर, क्यों सर कैसे क्यों लिखा, तो देखिए के ए इंटू सी को हम लिख नहीं सकते हैं, सी अल्फा इंटू सी, सी अल्फा स्क्वायर, तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट सी अल्फा नहीं हो जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू एच प्लस। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, जल्दी yes, sir. Yes. तो एच प्लस वीक एसिड का ये है। आप याद कीजिए मोल कंसेप्ट को, सुनिए बेसिक डिफरेंस अच्छे से समझिए। 0.1 mm Cl है अगर, और 0.1 mm एसिटिक एसिड है, दोनों में फर्क याद कीजिए। हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था मोलारिटी ऑफ आयन, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहां H+ की मोलारिटी वही होगी जो कंपाउंड की है, लेकिन चूंकि ये वीक एसिड है तो यहां H+ की कंसंट्रेशन नहीं होगी 0.1 के बराबर, यहां पर H+ की कंसंट्रेशन होगी सी अल्फा के बराबर। 0.1 और अल्फा आपको मालूम रहना चाहिए, दिया रहेगा, दोनों में फर्क समझिए। ये चीज तो आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा कि जो कंपाउंड की मोलारिटी थी भाई उसके आयन्स की होगी, बट दिस इज सही ओनली फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसके कंट्रीब्यूटिंग आयन्स के बराबर होगी। लेकिन अगर वीक एसिड या वीक बेस है कि उसका H प्लस की कंसंट्रेशन, इसलिए छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। सिमिलरली OH माइनस ऑफ वीक बेस कहे वो भी C अल्फा, या नहीं तो अगर नेगलेक्ट करके बनाएंगे तो Kb इंटू सी। दिस इज द कंसेप्ट, आयनिक में ये सब चीजें दिमाग में रखनी है। तो यहां देखें न्यूमेरिकल, यहां पर C अल्फा से भी निकाल सकते हैं तो सी तो अस्सी, अच्छा इसमें तो अल्फा बाद में निकालना था तो अल्फा तो बाद में आता पहला पार्ट, ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे के ए इंटू सी। कोई कहे क्यों हमने डायरेक्ट लिया, हम तो क्वाड्रेटिक लेते भाई, कि यहाँ पर अल्फा वो के ए बाई सी के रेंज के अंदर है तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं 1.8 × 10⁻⁴ 0.2। अब देखिए तो आपके पास हो जाएगा 36 × 10⁻⁶ 6 × 10⁻⁶, और आप डायरेक्ट से भी कर सकते हैं H plus C alpha, जब alpha मालूम हो गया तो 0.3 0.03, this is the style, answer same। आया समझ में? Hello everyone, hello everyone। हाँ, तो ये सब logic याद रखें। Again I repeat कि not only ionic equilibrium, weak acid के ions की molarity या concentration हमेशा सी अल्फा से निकलेगी, जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन होगी उसके कंट्रीब्यूटिंग आयंस की कंसंट्रेशन नहीं होगी। बराबर एग्जैक्टली तभी होता है जब वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सब चीजें याद रखनी, तो चलिए पहले ये बनाइए सारे लोग, यहां से लिखिए लिख लिया। हेलो एवरीवन, यस सर, यस सर।
लिख लिया? यस Has everyone completed? Yes, sir. ये लिखिए. हाँ लिख लिया? यस सर. यस सर. नो सर. हाँ याशिका जैन आप प्लीज कमेंट करें, समझ में आ रहा है कुछ? ये बेचारी बोल ही नहीं रही है, शर्मा क्यों रही है? याशिका जैन आ रहा है समझ में? यस सर. थैंक यू. हाँ यूनिवर्सल सर लिख दिया. चलिए एक दूसरी न्यूमेरिकल. अच्छा ये पहले, अच्छा इसको भी लिख लीजिए ब्रैकेट में क्लोज करके. दिस इज इंपॉर्टेंट कांसेप्ट. एच प्लस वी के सी सी अल्फा, उसके नीचे के ए इनटू सी. के इनटू सी तभी अंडर रूट में होगा जब वो हम नेगलेक्ट वाला कांसेप्ट रेंज में आएगा. इसलिए मैंने पहले सी अल्फा लिखा है. सी अल्फा इन एवरी केसेस इस्तेमाल होगा. निकलिया? Yes, sir, done. Concentration of AHA. H plus की concentration आपको दी हुई है 1.4 10 to minus 3 है. The value of Ka. तो Ka देने का मतलब हुआ कि ये HA जो है वो वी के सी है. ये मैं खुद करूंगा. देखिएगा मैं इसलिए क्वेश्चन दिया हूं कि मैं आपको एहसास कराऊंगा कि हर क्वेश्चन को करने का तरीका कैसे है. पहले क्वेश्चन लिखें.
Sorry, tell me. ओके गौर से सुनिए, यहाँ एच ए की कंसंट्रेशन का है तो गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं, इसको समझिए। एच ए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, ये लिखेंगे। हमने हमेशा कहा कि कोई जरूरी नहीं कि के का फॉर्मूला आप हमेशा सी अल्फा स्क्वायर से करेंगे। मैंने नहीं कहा कि के को लिखने का तरीका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट, चूंकि हमें एच ए की कंसंट्रेशन निकालनी है। हाँ या ना सारे लोग बताइए। यस सर। के ए की वैल्यू 2.6 × 10⁻³। अब बताइए एच प्लस की कंसंट्रेशन दी हुई है, हाँ या ना? अरे बोलिए ना, एच प्लस दिया। हाँ, 1.5 × 10⁻³। अच्छा बताइए, ए माइनस की भी कंसंट्रेशन नहीं दी हुई है लेकिन जितना एच प्लस है उतना ही होगा, क्यों? आप देखिए ना, कहां गया, देखिए जो एच प्लस भी सी अल्फा तो ए माइनस भी सी अल्फा होता है, बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, देखिए अब कोई सिर्फ ये रट के पढ़ लेगा के सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, तो ठीक है, अच्छे क्वेश्चन नहीं होंगे ना, इसीलिए आपको सारा अप्रोच आना चाहिए, कहां पर क्या लगाना है। तो 1.5 × 10⁻³, बताइए सच सच एच ए नहीं निकल जाएगा अब? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। यस, तो एच ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 × 2.25 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2.6। 2.25 को 2.6 से डिवाइड कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। बताइए रोशनी सिन्हा। चलिए पहले ये लिख लीजिए, कैलकुलेट करके लिखिए, बताइए कितना आया यहाँ पर। 10⁻³ इंटू कितना आया? अरे अभी तक नहीं बोल रहे हैं बच्चे लोग, जल्दी बताइए। 0.86। चलिए तो बताइए अप्रोच, न्यूमेरिकल का अप्रोच समझ में आया सबको? यस सर। अच्छा आप आइए पहले लिख लीजिए, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे निकालने। हाँ बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। दस। आप बताइए हमें निकालना क्या है।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अरे बोलिए तो देखिए कैसे निकालिएगा, गौर से सुनिए, के ए इज इक्वल टू एच प्लस की कंसंट्रेशन, अरे मेराज रहमान आ रहा समझ में, ए माइनस डिवाइडेड बाय एच ए, इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा आया था, अरे कुछ तो बोलिए। यस सर, यस सर। अब देखिए दिमाग लगाना कैसे सॉल्व करना, क्या सी अल्फा स्क्वायर को सी अल्फा इंटू अल्फा लिख सकते हैं? हेलो एवरीवन, जल्दी बोलिए, अब कोई बोल ही नहीं रहा, अरे बोलिए ना, लिख सकते हैं ना सी अल्फा स्क्वायर को सी अल्फा इंटू अल्फा? यस सर। आप बताइए सी अल्फा को क्या लिखेंगे, एच प्लस, हेलो एवरीवन बोलिए, यस, अब एच प्लस के ए की वैल्यू दिया हुआ है 2.6 10 टू द पावर माइनस 3, एच प्लस दिया 1.5 10 टू द माइनस 3 इनटू अल्फा। अगर आप किसी का माइंड यहां पर नहीं चलता तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ जाता, इट इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व न्यूमेरिकल, तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए, सी अल्फा स्क्वायर को सी अल्फा इंटू अल्फा, एच प्लस दिया हुआ है सी अल्फा को एच प्लस, अब बताइए आप क्वाड्रेटिक तो और आसान हो गया कि नहीं सॉल्व करना, अल्फा उधर जाके प्लस हो जाएगा, बोलिए आया समझ में? यस सर, यस, वरना डायरेक्ट ये स्तर तो आयनिक में अप्रोच सीखिए, अप्रोच कैसे किया जा रहा है क्वेश्चन को। हेलो एवरीवन, आया समझ में? यस सर। याशिका, अर्पित, युनीब, मेरा क्या नाम है, यस सर, नोहा, यस सर, थैंक यू। लिख लिया, सॉल्व कर लेंगे अल्फा, ये तो सॉल्व करना। चलिए अब देखिए, अब यहां पर दूसरी थ्योरी शुरू हुई, कंसेप्ट ऑफ एसिड, यानी केमिस्ट्री में एसिड बेस की क्या डिफिनेशन है जो इस चैप्टर में पढ़ना है, कि साइंटिस्ट ने क्या क्या कहा वो आपको समझना जरूरी है। इसमें सबसे पहला कंसेप्ट आता है आर्हेनियस कंसेप्ट, क्या आता है जल्दी बताइए, हेलो एवरीवन, आर्हेनियस कंसेप्ट, आर्हेनियस कंसेप्ट, हाँ, आर्हेनियस ने एसिड के बारे में, जो देखिए हम लोग तो जानते हैं एसिड का मतलब जो एच प्लस दे, लेकिन आर्हेनियस ने क्या कहा वो आपको मालूम होनी चाहिए। द सब्सटेंस विच गिव्स एच प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन वाटर, इनके मुताबिक एसिड वही होगा जो वाटर में एच प्लस दे, वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट है तो वो आर्हेनियस एसिड नहीं है। हाँ, कोई ऐसे पूछे एसिड क्या होता है तो हम लोग कहते हैं जो प्रोटॉन डोनर एच प्लस देना, लेकिन कोई पूछे आर्हेनियस एसिड क्या है, द सब्सटेंस विच गिव्स एच प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए इसकी लिमिटेशन है कि दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर वाटर। तो ब्रॉनस्टेड कंसेप्ट आया, ब्रॉनस्टेड कंसेप्ट का एसिड की जो डिफिनेशन थी सिंपल, प्रोटॉन डोनर, बस चाहे कोई भी सॉल्वेंट हो, इसलिए कहा जाता है ऑल आर्हेनियस एसिड मस्ट बी ब्रॉनस्टेड। तो इसलिए आपको साइंटिस्ट के लिहाज से स्टेटमेंट याद रखना है, तो लिखिए द सब्सटेंस, समझ में आ रहा है ना याशिका जैन? यस
Yes, sir. ये बोलना जरूरी है एक्वस सॉल्यूशन यानी एक्वस का मतलब वाटर सॉल्वेंट होना चाहिए इस कॉल्ड एसिड सिर्फ लिख दीजिएगा जो एच प्लस आयन दे तो फिर एसिड की डिफिनेशन होगी आरहेनियस के मुताबिक आरहेनियस एसिड नहीं कहलाएगा वो फिर इसमें कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है एचसीएल वाटर के अंदर एच प्लस देता ही है समझा तो HCl हुआ HBr हुआ कोई भी हो एसिटिक एसिड हुआ या भी वीक स्ट्रॉन्ग की बात नहीं होगी सब सब H2SO4 हुआ ये सब जो H प्लस आयन वाटर के अंदर दे उसको हम एसिड कहेंगे लिख लिया सारे लोग हाँ या ना यस सर वेरी गुड अब आइए बेस क्या होता है तो लिखिए द सब्सटेंस Which gives hydroxyl ion in aqueous solution. जैसे NaOH है, LiOH है, CaOH2 है, ये सब base है Arrhenius के मुताबिक. अब आइए इनके इनके अलावा अब आपके इसमें क्या-क्या concept पढ़ना है? ये तो ये हो गया. अब और से सुनिए. कोई बोल ही नहीं रहा है लिख लिया यस सर देखिए एक जो आर्हेनियस की सबसे अच्छी बात वो ये थी अच्छा एक बात बताइए एच प्लस को समझिए एच प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जल्दी बताइए तो सारे लोग मिलके कोई बोल ही नहीं रहा है एच प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे अरे कितना खराब बैच है H प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं याशिका अर्पित का नाम है रोशनी का नाम है हाँ जोर से बोलिए जीरो यस जीरो चूंकि हाइड्रोजन में वन वन माइनस वन जीरो अब देखिए इसका मतलब H प्लस जो है लिखा जाता है लेकिन H प्लस डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट इस पर पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा है चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है इस पर यह हमेशा कंबाइंड फॉर्म में है इसलिए याद रखिए सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था कि H प्लस जनरली एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयन इसलिए जनरल फॉर्मूला होता है H2O N N की वैल्यू 1 हाइड्रोनियम आयन N की वैल्यू 2 तो ये भी हाइड्रोनियम आयन है सबसे सिंपल हाइड्रोनियम आयन ये है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट हम लोग लिखते हैं या हम ये लिखा जाता बेसिकली H+ अकेला नहीं इतना चार्ज है
कि हमेशा किसी दूसरे से कहेगा हम कंबाइन हैं। जैसे एकदम कहते ना बदमाश आदमी अकेला नहीं है, किसी को भी मार दो वाटर के साथ कंबाइन करेगा थ्रो हाइड्रोजन बॉन्ड केमिकल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये कनेक्टेड होता है। तो आर्हेनियस ने यही कहा था कि H plus does not exist independently, it always exists in combined form with water through hydrogen bond as H plus H2O N. ऑब्जेक्टिव में देगा H6O2 plus exist, no, even number में आ गया, जब भी होगा तो odd number में हाइड्रोजन आएगा। Did you understand? Yes, sir. हाँ, तो H plus के बारे में लिखिए, फिर मैं छुट्टी दे दूंगा, जल्दी लिखिए। H plus लिखा जाता लेकिन बेसिकली हम इसको एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, अकेला पाया ही नहीं जाता ये ड्यू टू मोर चार्ज डेंसिटी, बहुत चार्ज है ये कंबाइंड, चार्ज जब भी होता है तो अनस्टेबल होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड लिख लिया। Yes.